दोस्तों, इरफान खान जैसा एक्टर न कभी था, न है, न कभी आगे होगा। ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। उनके निधन से एक ऐसा वैक्यूम बन गया है, नॉट जस्ट इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बट पूरे विश्व सिनेमा में, वर्ल्ड सिनेमा में, एक ऐसा वैक्यूम दैट कैन नेवर बी फिल्ड, नेवर एवर बी फिल्ड। गॉन टू सून। 53 इज नॉट द एज वेन समवन एज ब्रिलियंट एज इरफान शुड हैव गॉन। दोस्तों कहते हैं, जो भगवान के बहुत अजीज होते हैं, जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, उन्हें बहुत ही जल्द बुलाया जाता है इस धरती से। इट्स अ ह्यूज ह्यूज लॉस फॉर फैंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट इंडियन फैंस। आई रिमेंबर आई आई हैड मेट इरफान 5 ईयर्स अगो। 2015 में मैंने उनको पहली बार, मैं मतलब इंटरव्यू के लिए मिला था। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट हिम इज ही सो सिंपल। जो भी बात करते दिल से करते, कोई मिलावट नहीं है, ना उनके एक्टिंग में मिलावट है, ना उनके बातचीत में मिलावट है। सिंपल प्योर पर्सन। जो इंटरव्यू था, मुझे अभी भी जितना याद है, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा था। एक तो उन्होंने कहा कि इंडिया को ऑस्कर की ज़रूरत है, क्योंकि दैट विल चेंज द परसेप्शन ऑफ आवर फिल्म इन द एंटायर ग्लोब। दूसरा, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको पार्टीज करना पसंद नहीं है, क्योंकि पार्टी पे बहुत फेक लोग आते हैं और फेक लोगों को मिलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो घर पर रहना पसंद करते हैं। और जब कैमरा स्विच ऑफ हो जाता है, इरफान बहुत ही शांत किस्म का इंसान हो जाता है करके इरफान सर ने मुझे बताया था। सर ने और एक चीज़ मुझे बताया कि फिल्म मेकिंग जॉनर में उनको रोमांटिक फिल्म, बच्चों के लिए एक फिल्म और एक एक्शन किक बॉक्सिंग वाला फिल्म करने की चाहत है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। ये था उनका सपना। गॉन टू सून दोस्तों। लास्ट फिल्म उनका अंग्रेजी मीडियम था, सुपर्ब एक्टिंग किया था उसमें, मैंने रिव्यू भी किया था। इरफान तो जान था फिल्म का, बट आई थिंक दी बेस्ट एक्टर हिंदी सिनेमा हैज एवर सीन, दी बेस्ट एक्टर यार। अगर और भी रहते कितना सारा अवार्ड्स और लेना बाकी रहता उनके लिए यार। गम इस बात की है कि जो भी, मतलब जितने भी फिल्म्स किए, ऑब्वियसली वी हैव लव्ड हिम, बट बोलते ना, ये दिल मांगे मोर। वी वांटेड एक्टर्स लाइक इरफान खान टू स्टे अराउंड, टू गिव अस दैट एंटरटेनमेंट फॉर एवर। रेस्ट इन पीस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द एंटरटेनमेंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड। आप इस धरती को छोड़ चुके हो, लेकिन योर लेगेसी विल लिव ऑन थ्रू योर ब्रिलियंट एक्टिंग दैट यू हैव डन इन ऑल योर फिल्म्स। रेस्ट इन पीस सर, रेस्ट इन पीस।